घर तोड़ दिया हमारा, जो रोड पे मकान बन रहे ये घर तोड़ दिया हमारा, हमें बैर गिर रखी गली में सड़क पे पड़े भीख की डाल मांग रहे। हम तो बेकार हो रहे बिल्कुल ही, हम तो ना हमारा तवा चढ़ रहा ना खाने के ना पीने के, हेड अटैक में हमारा एक आदमी भी मर गया, हम तो यहाँ बैठे गाल में। पीएम योजना है घर बना के देवे, सीएम योजना है घर बना के देवे, हमारा तो घर छीन लिया, बता बना के तो दिया नहीं, हमें नहीं बताया कहीं दूसरी जगह हम चले जाओ बस जाओ कहीं जाके, और हमारा घर तहस नहस कर दिया, आज हम कुछ कहने के लायक नहीं रहे। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में जेरे बैसे मुद्दा, गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भरकर गालियाँ दो आ भरकर बद्दुआ। बागपत के सिनोली गांव में आज ये लाइनें चरितार्थ होती नजर आती हैं। आशियाना बाबा के बुलडोजर ने धराशायी कर दिया है, जिसके बाद अब भगवान भी शायद कुपित हो गए, बरसात लगातार चल रही है, अब लोग अपनी सर छुपाने के लिए छतबीन के पास नहीं बची है। आइए बात करते हैं जो ये हाल हुआ है। मेरा नाम वेदपाल आर्य भजनों उपदेशक है, और ये हाल इतना बुरा हो गया कि मेरे बच्चे मेरे परिवार के लोग देख कैसे बैठे, बरसात हो लग रही, सब कुछ तहस नहस हो गया घर का। कहें कि भाई सबका साथ होगा सबका विकास होगा, भाई पीएम योजना है घर बना के देवे, सीएम योजना है घर बना के देवे, हमारा तो घर छीन लिया, बता बना के तो दिया नहीं, हमें नहीं बताया कहीं दूसरी जगह हम चले जाओ बस जाओ कहीं जाके, और हमारा घर तहस नहस कर दिया, आज हम कुछ कहने के लायक नहीं रहे। हम कहाँ जाएं, ये बालक छोटे छोटे देखो मी में कैसे बिज्जत करे। प्रशासन साहब क्या चाह रहे हैं? प्रशासन साहब क्या, काफी लोग बीड़ा में है, देखे पूरा परिवार यहाँ पर, मकान तहस नहस हो चुका है। हाँ जी, हमारा मकान सारा तहस नहस हो गया, हमें इतना मौका बारिश में बैठे आज हमारा घर भी नहीं रहा, हमारे छोटे छोटे से बच्चे है, हमें आज सब रहने की जगह नहीं है जी, बारिश में बैठे छत सिर पर छत नहीं है, बारिश में बैठे हम यहाँ, एक नंबर बताओ हम जाएंगे कहाँ, बारिश में बैठे बारिश यही यहाँ क्या होगा जी हमारा, बारिश में बैठ गया। सरकार से ये चाह हमारा जो दिया जाए सरकार, जो योगी से हम ये चाहते हैं कि हमारा आशियाना दिया जाए, अंबर साहब जो कहाँ जा। सिनोली गांव के जो ग्रामीण हैं, पीड़ित ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि सरकार जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताती है, शहरी और ग्रामीण बताती है, लेकिन वादे धरातल पर आते ही धराशायी होते नजर आते हैं, पटल पर नुबावत भी कोई कीमत नहीं रहती। एक तालाब जो बता रहे हैं, ये लंबे समय से ये तालाब यहाँ पर उपस्थित है, वो बता रहे हैं 38 बीघे का तालाब ये था, इसका बंजर जो ज़मीन थी उस पर भी यहाँ पर लगभग कब्जा कर लिया गया था। बताया गया कि बंजर में भी जो सरकार को इस मामले में मध्यस्थता करके वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए करनी चाहिए थी। अच्छा मैं आपसे बात करूँ। हाँ जी, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? आगे की रणनीति हम तो यही मांग करते रहेंगे, मामा आशना देते हम कहाँ जाएंगे, हम तो आ नहीं पा रहा जी। रणनीति तो ये है, पक्षपात होता दिख रहा, जो लोग बाग पैसे वाले हैं उन्हें भी अपने बचा रहे, हमारे सबके ढह गए, इवन बालकों का हमें तो पता लगने रहा जी हम के करेंगे, ना मैं जहर दूं या आपको जहर खाऊं, कुछ इस मरने के सिवा कुछ रास्ता हमें दिख नहीं रहा जी। एवरेस्ट 24 न्यूज़ सरकार से इस बात की गुहार लगाता है कि इस प्रकार के जो गरीब परिवार हैं उनकी अवस्था सरकार वैकल्पिक व्यवस्था। हमारा कुछ नहीं है, हम सड़क पर पड़े हैं, हमारे जाकत वाले सब पड़े, हमारा सब कुछ ला लिया इन्होंने, हमारे द्वारा कुछ नहीं है, हम सड़क पर पड़े। आप तो घर के बाहर बैठने का क्या मतलब है? छोटे छोटे बच्चे भी जी बाहर गिर दिया, हमें तो काट गए, घर तोड़ दिया हमारा, जो रोड पे मकान बन रहे ये घर तोड़ दिया हमारा, हमें बैर गिर रखी गली में सड़क पे पड़े भीख की डाल मांग रहे। हम तो बेकार हो रहे बिल्कुल ही, हम तो ना हमारा तवा चढ़ रहा ना खाने के ना पीने के, हेड अटैक में हमारा एक आदमी भी मर गया, हम तो यहाँ बैठे गाल में जी, हम तो बेघर हो रहे जी, हम कहाँ जा, मेरा रास्ता तो बता दो कुछ, हम कहाँ जा, जवान लंडिया कहाँ जाएंगे लेकर नए सड़क पर पड़े सामान ले, बताओ गरीब लोग क्या कर सका है, रहा तो बताओ कुछ भी जाओ, अगर नहीं जी हमारा कुछ है नहीं, सड़क पर गैर दिया मकान हमारे कट्टा लग रहे गरीबों के। आया ये अभी कहीं के लिए आया है ये भाई? जोड़ की सफाई के लिए आया हूँ। सफाई के लिए आया गरीबों के? गरीबों का आशियाने तो टूटेंगे इसमें। अच्छा हाँ, पर गलत कर रही सरकार,
क्या गलत फहमी? थोड़ा कम कर ले, ज्यादा कर रही। सारे गरीब है, गुरु भाई है, गरीब का गांव में गरीब ही रहे, अमीर तो सारे शहरों में जा रहे। हाँ बुलडोजर आकर खड़ा हो गया जी मेरे बैर, इब हम कहाँ जा लिखड़ का अपने जागतू को लेकर सड़क पर पड़े हम तो। इब हम बताओ हम कर रखे याने साने मारे बाड़ा का है, गरीब हम आदमी दो बीघे मारा खून है, हम जा कहा लेकर बताओ के करे जामा, हमारा रास्ता बता दो, जहाँ तुम कहोगे हम वहाँ चले जाएंगे। और बताओ जी, हमारा तो जमीन भी नहीं है जी, ना हमारा कुछ है, और हम तो बिल्कुल भिखारी है, और हमारे बच्चे रोड पे पड़े, हम भी रोड पे पड़े। आप ये बताओ कि हम कहाँ जाकर हमें, हमारे बच्चे किसके भार जावे जी? हमारे घर ही ढा दिए, हमारे रहने की सिर पर से छत उतार ली, तो आप ये बताओ सड़क पर डाल दिए हम लागे, तो हम कहाँ जावे जी? वो ऐसा है जी, देखो कल पिता गए तो ही मारना था, एक आदमी चला गया और अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाने बताओ, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और मकान कह रहे खाली करो, और उन्होंने बताओ हम कहाँ जाओ। कल हमारे में से एक आदमी पहले एक लुंडा हार्ट अटैक तो चला गया था जवानी, कल हमारा डेट चला गया, फिता पड़ तू, उन्होंने बताओ हम कहाँ जाएंगे? दो आदमी हो गए, हमारे आदमी मरण लग रहे, और इन बताओ हम क्या करेंगे बिना आदमियों के, और हम बिना मकान बिना मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेकर जाएंगे? हमको बताओ, घर तो घर तो बेघर हो गए हम।